सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो आप लोगों ने थंबनेल देख के पता लगा लिया होगा कि कौन सा टॉपिक होने वाला है। तो हाँ, आप लोगों ने जो सोचा है वही है जो देखा है थंबनेल पे। तो आज जो है रॉयल एनफील्ड का जो नया मॉडल है वो रॉयल एनफील्ड 100/350 का जो है आज लॉन्च इवेंट होने वाला है रॉयल एनफील्ड सिलचर शोरूम पे। तो उसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, और अभी जो है अभी मैं पहुँचा, तो अभी जो है वेटिंग रूम पे रुका हूँ। यहाँ पे जो है सर्विसिंग का एरिया है, तो सर्विसिंग चल रहा है पीछे, तो यहाँ पे थोड़ा रुका हूँ। बाद में थोड़ी देर बाद जो है ऊपर जाएंगे, और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स आने वाले हैं, यूट्यूबर्स, तो सबको सबसे मिलवाएंगे, और जो जो गाड़ी है रॉयल एनफील्ड का वो भी सब दिखाएंगे शोरूम जाके ऊपर में। तो चलो वीडियो को देखते रहना आप लोग, और वीडियो को अभी से लाइक कर देना। सो गाइस, अभी जो है हम लोग आ रहे हैं ऊपर और शोरूम के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत सारा गाड़ी है रॉयल एनफील्ड का, तो आप लोगों को जो है रॉयल एनफील्ड का गाड़ी दिखाता हूँ। ये जो है पहली बार जो है मैं कैप्चर कर रहा हूँ अपने ब्लॉग पे रॉयल एनफील्ड का शोरूम। तो मैं ज़्यादा आया भी नहीं, सिर्फ ये मेरा लाइफ का, अरे बाप रे, ये देखो एनफील्ड धूम मचा रहा है। चलो अभी जो है चलते हैं और सारा जो गाड़ी है वो दिखाते हैं। ये मेरे लाइफ का जो थर्ड टाइम है आज को लेकर रॉयल एनफील्ड शोरूम पे। तो चलो आप लोगों को बाइक दिखाते हैं और लॉन्च इवेंट भी दिखाते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आते ही पहला मिल गया क्लासिक 350। ये देखो काफ़ी सुंदर है मैट ब्लैक पे, और यहाँ पे भी है रॉयल एनफील्ड। ये वाला जो है नाम देख लेते हैं, मुझे उतना पता नहीं, मेटियो 350। तो ये दोनों ही सेम मॉडल है, दूसरे डिफरेंट कलर्स पे। और यहाँ पे भी क्लासिक 350 है, ये ओल्ड मॉडल वाला। यह हिमालयन खड़ा है एक, और यहाँ पे भी एक हिमालयन है, और यहाँ पे रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 फिर से, और यहाँ पे भी है। और यहाँ पे देख सकते हो पूरा, ये सब जो है नया गाड़ी है शायद से, पूरा स्टॉक पे लगाया हुआ है, तो सब दिखा देंगे आप लोगों को। और यहाँ पे जो है कुछ तबाही वाला बाइक खड़ा हुआ है, ये रॉयल एनफील्ड 100/350 यही है। तो ये जो है अभी लॉन्च का इवेंट जो है वो होगा, तो अभी से दिखा देता हूँ आप लोग को। ये काफ़ी सुंदर दिख रहा है, देख लो आप लोग। सो गाइस, इस बाइक के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। ये जो है सीट हाइट इसका 800 mm है, तो काफ़ी नीचा है, तो कोई भी बैठ के चला सकता है। और इसका जो प्राइस है वो सिलचर शोरूम पे 1.85 लाख पे मिल जाएगा, 2 लाख के अंदर। ये पहला बाइक होगा जो अभी के टाइम पे रॉयल एनफील्ड में 350cc में, जो कि मतलब 2 लाख के अंदर है। और इसका जो इंजन है 349cc का इंजन है, और पावर जो है 20.4 पावर BHP है, और 27 टॉर्क है इसका, और 5-speed गियरबॉक्स है। और इसका वेट जो है पहले से रिड्यूस किया गया है, 181 kg का है अभी, पहले 195 या 96 ऐसा कुछ था, तो काफ़ी हल्का हो गया है। तो अभी जो है कोई भी आराम से चला सकता है, जो थोड़ा पतला भी होगा और थोड़ा शॉर्ट हाइट भी होगा, तो आराम से इसको जो भी चला सकता है। और बाकी जो है सबसे मिलवाता हो, ये रहा अपना टॉर्क राइडर जॉन मजिद भाई। तो कुछ बोलो, कैसे हो सब लोग, तो कुछ बोल दो व्यूअर्स को, भाई को जाके सपोर्ट करो और सभी को सपोर्ट कीजिए। हाँ, सबको करना है। और यहाँ पे भी दो भाई है, मिलवा देता हूँ, प्रांतिक ब्रो एंड विशाल विशाल भाई। कैसे आप सब लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सब भी जो है आए हुए हैं, अभी यूनिवर्सिटी से आए, घर जाके आया ना, लटक के आया, लटक लटक के बहुत बहुत कष्ट करके आया है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर आप यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज में से कोई देख रहे हो तो प्लीज थोड़ा बसेस इंक्रीज करो, जाने के टाइम भी ऐसा मूर्ति बन के गया, आते समय मूर्ति बन के। तो ये जरूर ध्यान रखना है जो हम लोग देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज अगर देख रहा है कोई। सो गाइस, ये रहा रॉयल एनफील्ड का जो शोरूम, मेन शोरूम जहाँ पे गाड़ियाँ रखा जाता है, और ऐसा कुछ इनका माहौल है, ये देख सकते हो। यहाँ पे भी कुछ बाइक्स रखे हुए हैं शोरूम के अंदर डिस्प्ले के लिए, ये भी देख सकते हो, बहुत सुंदर है। तो गाइस, अभी जो है यहाँ पे देख सकते हो पूरा कवर किया हुआ है, अभी जो है इसको रिवील करेंगे, इसको खोलेंगे, तो आप लोगों को तो दिखा दे फिर भी। यहाँ पे जो है लॉन्च इवेंट है, तो इसको वो करेंगे, कपड़ा हटाएंगे, तो चलो थोड़ा देर वेट करो। गुड इवनिंग ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग हियर।
So today you are invited for the launch event of most awaited motorcycle under 350. So this is the most awaited motorcycle for all of us. The most lightest, most stylish and most coolest motorcycle which is fun to ride. Now we would like to invite our customers to reveal the motorcycle. Please come. Shop camera. Please. लाल घोड़ी जाओ, लाल घोड़ा जाओ। So first this one. Okay. So ready? 1, 2, 3. Here we go. Give it a cheer, guys. So this is the Hunter 350 Metro. This color name is Rebel Blue. We have total 8 color variants and 2 variants in models. One is metro and one is retro. The most stylish motorcycle, both compact and most lightweight. It comes with 350cc engine with 21 hp and 27 lb torque. Riding experience will be awesome and the style and looks will make you feel awesome. And then second one also. Base pe jata ho. 5303. So this one also, a retro Hunter. So first start, here we go. इसमें जो है मैंने कुछ डिटेल्स बता दिया था और थोड़ा सा रह गया जो कि इसमें डबल डिस्क आता है और इसमें जो है ड्यूअल चैनल एबीएस भी आता है जो मैंने नहीं बताया था आप लोगों को, अभी पता चला है मुझे भी क्योंकि उस तरफ रिवील नहीं हुआ था और मतलब किसी से भी पूछा नहीं, तो यहाँ पे जो है अभी क्लियर हो गया है इसमें ड्यूअल चैनल एबीएस आता है। तो काफ़ी सही बाइक है, 2 लाख के अंदर आप लोग ज़रूर इसको खरीद सकते हैं और थोड़ा हल्का भी है तो कोई थोड़ा अगर हल्का भी होता है तो मतलब इसको आराम से चला सकेंगे ट्रैफिक में। और लुक्स तो बोलो ही मत, काफ़ी बढ़िया दे दिया है रॉयल एनफील्ड में, मॉडर्न रॉयल एनफील्ड बोल सकते हैं इसको। In a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. सो गाइस, इसका बाइक का जो है अभी थोड़ा बहुत स्टिकर वगैरह और थोड़ा और स्पेक्स बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हो रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है, ये 3D में होता तो और भी सुंदर दिखता। और यहाँ पे रॉयल, तो और यहाँ पे इसका रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का लोगो दिया गया है। तो काफ़ी सही बाइक है यार, लेकिन बहुत सुंदर दिख रहा है, कॉम्पैक्ट है। और यहाँ पे जो है आप लोगों को हेडलाइट जो है वो हेलोजन मिलेगा और इंडिकेटर्स भी हेलोजन मिल जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे LED नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो बैक लाइट आप लोग देख सकते हो, ये टेल लाइट जो ये LED है लेकिन इंडिकेटर्स तो हेलोजन ही है। और यहाँ पे जो एक LED लाइट लगाया गया जो यहाँ पे नंबर प्लेट लगाते थे जो नंबर प्लेट पे रिफ्लेक्शन देने के लिए रात के समय, तो यही है। और तो बाकी जो है आप लोगों को सब डिटेल्स बता दिया इस बाइक के बारे में, प्राइस वगैरह सब बता दिया। 185 ऑन रोड
इन सिल्चर, तो आप लोग ज़रूर ये वाला जो बाइक अफोर्ड कर सकते हो जिसको रॉयल एनफील्ड में थोड़ा सा लो प्राइस में चाहिए, तो यही मिलेगा आप लोगों को अभी रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे। सो गाइस, इसमें जो है मैं अभी जो है पता चला ये वाला दोनों जो है डिफरेंट है, ये वाला जो है ये रेट्रो है और ये जो है मेट्रो वर्जन है, तो इन दोनों में जो है थोड़ा कुछ डिफरेंस है वो मैं जो है आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी। पहला चीज़ तो है इसका हेडलाइट का जो बल्ब है ये देख लो आप, और इसका देख लो ये अलग है, और उसके बाद जो है इसका इसमें जो है आपको एलॉय मिल जाता है, और इसमें जो है आपको जो है स्पोक व्हील्स लगा हुआ है, तो ये दोनों का डिफरेंस यही है। और उसके बाद जो है गाइस यहाँ पे आते हैं पीछे का जो टायर है इसमें ड्रम ब्रेक है, और इसमें जो है डिस्क से साथ में एबीएस भी है, और इसमें जो है सिंगल चैनल एबीएस है। और उसके बाद जो आता है इसका स्विच, किल स्विच जो है ये ऐसा आता है नॉर्मल, और इसका वाला तो आप लोग को दिखाई दिया होगा, ये वाला ऐसा आता है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यही है। और इस ये वाला स्विच भी जो है अपर डिपर का ऐसा आता है, और इसका जो है ये नॉर्मल ही है, तो यही है गाइस डिफरेंस, और प्राइस भी डिफरेंस है। ये वाला जो है 1,88,000 पड़ता है, ऐसा 1,86,000 ऐसा पड़ता है। इसमें भी बहुत सारा वेरिएंट है और बहुत सारा कलर्स है, वो आप लोग शोरूम पे आके देख लेना। और इसमें जो है 1.68 ऐसा कुछ बोला है ऑन रोड प्राइस सिल्चर, तो ये वाला जो है सबसे कम दामी वाला है, तो ये वाला जो है काफ़ी एफोर्ड कर सकते हैं इस बाइक को आप लोग, अगर आप लोग का जो बजट है वो थोड़ा कम है तो ये वाला जो है आप लोग बाई कर सकते हो। रॉयल एनफील्ड का लोगो भी है जिसको रॉयल एनफील्ड पसंद है। वेरिएंट पे जो है गाइस इसमें सेंटर स्टैंड नहीं है रेट्रो वेरिएंट में, लेकिन मेट्रो वेरिएंट में जो है इसमें सेंटर स्टैंड लगाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो नीचे, ये देख सकते हो, और यही ये डिफरेंस भी है इन दोनों बाइक्स में। और इसमें जो है गाइस साइड स्टैंड काट ऑफ नहीं है, फीचर्स नहीं दिया गया, लेकिन उस बाइक पे साइड स्टैंड काट ऑफ का फीचर्स है। और इसमें जो है गाइस फुल बॉडी जो चेसी होता है ना फ्रेम, वो नहीं दिया गया है इसमें, और लेकिन उस बाइक पे जो है फुल बॉडी चेसी जो है इसमें दिया गया है, तो ये भी डिफरेंस है इन दोनों बाइक्स में। सो गाइस ये आज का लॉन्च इवेंट यहीं पर ख़त्म होता है, और बाकी तो सब कुछ बना दे इसके बारे में, आज इसके बारे में ही वीडियो बनाने के लिए आया था मैं, तो लॉन्च जो है इसका फीचर्स प्राइस वगैरह सब बता दे आप लोगों को। तो कैसा लगा आप लोग वीडियो लाइक ज़रूर कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को जो है शेयर करना ज़्यादातर अगर सिल्चर के मतलब सिल्चर से कोई देख रहा है तो, क्योंकि सिल्चर का ऑन रोड प्राइस वगैरह जो है वो सिल्चर का ही है, तो अगर कोई रॉयल एनफील्ड लेना चाहता है तो मतलब जिसका बजट थोड़ा सा कम है 2,00,000 से कम है, तो वो लोगों को जो है ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक ले गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।